राजेश कुमार कुशवाहा वंडर साहब मीडिया यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ मध्य प्रदेश के सबसे बड़े जलप्रपात, बहुत ही जलप्रपात का वीडियो। दोस्तों, यहाँ पर बड़ा से तात्पर्य है इसकी ऊंचाई से। फ्रेंड्स, जानकारी के लिए बता दें कि इस जलप्रपात की ऊंचाई 198 मीटर यानी 650 फीट के करीब है। इस जलप्रपात का मध्य प्रदेश टूरिज्म में बहुत बड़ा योगदान है। इसे देखने के लिए देश विदेश से प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में लोग आते हैं। दोस्तों, इस समय तो यहाँ पानी कम है, पर जब यह अपने रौद्र रूप में होता है तो कुछ कुछ इस तरह से दिखाई देता है। दोस्तों, भारत के मध्य प्रदेश राज्य का रीवा जिला अनेक प्राकृतिक व सांस्कृतिक अजूबों से भरा पड़ा है। उन्हीं में से एक यह बहुती वाटरफॉल भी है। बहुती मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, जो मुख्य रूप से मऊगंज के पास बहुती नामक गांव में सेलर नदी पर बनता है। दोस्तों, इस जलप्रपात को देखने के लिए प्रयागराज से सुहागी पहाड़ से होते हुए कटरा मार्केट से थोड़ा पहले ही घूमा नामक स्थान से कटरा मऊगंज वाली रोड पर तकरीबन 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। बहुती जलप्रपात रीवा मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में तथा प्रयागराज मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में अवस्थित है। वैसे तो इस खूबसूरत झरने को देखने के लिए कभी भी आया जा सकता है, पर यहाँ विजिट करने का सबसे अच्छा समय जुलाई से सितंबर माह का होता है। कारण उस समय उड्डा, अब बदला हुआ नाम सेलर नदी, में पर्याप्त पानी होता है। तब इसका नज़ारा काफ़ी मनमोहक व सुहाना लगता है। उस दौरान नदी का तेजी से 650 फीट गहरे खड्ड में गिरकर पानी के अणु छितराकर वाष्प में परिवर्तित हो बिल्कुल धुएं जैसा आभास कराते हैं, मानो प्रपात के खड्ड से कोई आग जल रही हो। दोस्तों, इस प्रपात से नीचे की तरफ बहता हुआ जल 8-10 किलोमीटर की दूरी तय कर नैना नदी का रूप धारण करती है, जो विंध्य की एक प्रसिद्ध नदी बेलन की सहायक है। आगे चलकर बेलन नदी टोंस यानी टमसा में विलीन हो जाती है। इस प्रपात के बगल में एक और भी प्रपात है, पर उसमें जल राशि कम होने के कारण उतना आकर्षक नहीं दिखता है। यहाँ आए हुए पर्यटकों के मनोरंजन के लिए मकाक बंदरों की भी अच्छी खासी आबादी मौजूद है। कुल मिला के यहाँ आना वाकई में मन को शांति व सुकून देने वाला होता है। इसलिए अगर समय मिले तो एक बार यहाँ के रमणीय व मनोरम दर्शन जरूर करें। नमस्कार।